equation ma hamile find garnu parne cha angle OAC that is x, angle BAN that is z, ra angle CBO that is y. Hamile ke diyeko cha bhane angle CAT is equal to 60 degree, angle BCA is equal to 45 degree. O is the center of the circle and TN is the tangent to this circle. Okay? अब यदि हामीले आर्क एबी हेर्यौं भने वी कैन से दैट एंगल एओबी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी बिकॉज दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंगल एंड द इंस्क्राइब्ड एंगल राइट सो वी कैन राइट एंगल एओबी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी रिजन हामी लेख्न सक्छौं रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल दिस कैन बी रिटन एज एंगल एओबी इज इक्वल टू टू इंटू 45 degree. Angle ACB is 45 degree. Right? So we can write this as 2 into 45 degree. This is equal to 90 degree. Therefore, value of angle AOB is 90 degree. Now, in triangle AOB, hamile ke nikale angle AOB is 90 degree. We can say that OA is equal to OB because these both are the radii of the same circle. If OA is equal to OB, then triangle OAB is an isosceles triangle, right? So we can say since OA is equal to OB, triangle OAB is an isosceles triangle. So we can write angle OAB is equal to angle OBA. Reason why I'm writing this song, base angles of isosceles triangles. यदि गरिसकेपछि यदि हामीले सम अफ अल एंगल्स अफ द ट्रायंगल ओएबी लियौं भने वी कैन राइट इन ट्रायंगल ओएबी एंगल एबीओ सॉरी एंगल एओबी प्लस एंगल ओएबी प्लस एंगल ओबीए इज इक्वल टू 180 डिग्री रिजन बिइङ सम अफ अल एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री यसलाई हामीले सोल्व गर्यौं भने वी विल गेट एंगल ओएबी इज इक्वल टू एंगल ओबीए इज इक्वल टू 45 डिग्री हामीले एंगल एओबी को ठाउँमा 90 डिग्री राख्यौं एंगल ओएबी लाई एंगल ओबीए मा सब्स्टिट्युट गर्यौं यसरी गर्दा हामीले एंगल पायौं 40 एंगल ओएबी एंड एंगल ओबीए आर इक्वल एंड दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री ओके अब यदि हामीले एंगल ओएबी र एंगल ओबीए 45 डिग्री निकाल्यौं भने वी कैन राइट दिस एज 45 डिग्री हियर एंड 45 डिग्री हियर हैन अब कन्सिडर गरौ हामी एंगल बीएएन यदि हामीले एंगल बीएएन कन्सिडर गर्यौं भने वी कैन से एंगल एसीबी इज द एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट अफ एंगल बीएएन ओके We can write angle BAN is equal to angle ACB. Reason I'm going to talk about angle in alternate segment. Therefore, angle BAN which is equal to Z, this will be equal to 45 degree. Similarly, angle CBA is the angle in alternate segment of angle CAT. We can write angle CBA is equal to angle CAT. Reason I'm going to talk about angle in alternate segment. CBA, angle CBA is equal to Y plus 45 degree. We can write this as Y plus 45 degree is equal to angle CAT is 60 degree. I'm going to say solve the problem, we will get the value of Y as 15 degree. Okay? हामीले z को भ्यालु निकाल्यौ हामीले y को भ्यालु निकाल्यौ अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ x को भ्यालु यदि हामीले स्ट्रेट लाइन tn कन्सिडर गर्यौ भने वी कैन राइट 60 डिग्री प्लस x प्लस 45 डिग्री प्लस z इज इक्वल टु 180 डिग्री रिजन बिइङ लिनियर पेयर इज इक्वल टु 180 डिग्री हैन वी कैन राइट दिस एज 60 डिग्री प्लस x प्लस 45 डिग्री प्लस z को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौ z को भ्यालु हामीले निकाल्यौ 45 डिग्री दिस इज इक्वल टु 180 डिग्री जसलाई हामीले
solve garyau bhane we will get the value of x